Subscribe and press the bell icon for latest update. डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन जरा सोचे कि जब वो भगवान आपकी जिंदगी खत्म कर दे तो क्या हो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के कई लोगों में संक्रमित सिरिंज से इंजेक्शन लगने की वजह से फैले एचआईवी संक्रमण के बाद हो रही बदनामी से परेशान लोगों ने गांव का नाम बदलने की मांग की है। प्रेमगंज गांव के लोगों का कहना है कि एचआईवी और एड्स की वजह से गांव की काफी बदनामी हो रही है, लिहाजा इसका नाम बदल देना चाहिए। ग्रामीण पूरे प्रकरण के मीडिया कवरेज और स्वास्थ्य विभाग के उस आरोप से भी खफा है जिसमें कहा जाता है कि गांव वैश्यवृत्ति का अड्डा है। गौरतलब है कि उन्नाव जिले के बांगर मऊ कस्बे के तीन गांव प्रेमगंज, चकमीर और किरमिद्यापुर में एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा संक्रमित सिरिंज से लगाए गए इंजेक्शन की वजह से करीब 76 लोगों में एचआईवी की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा एचआईवी के मामले प्रेमगंज में पाए गए, जिसके बाद से ही लोग इस गांव को एड्स वाला मोहल्ले के नाम से पुकारने लगे। तो वहीं गांव के ही एक युवक का कहना है कि हमारा मोहल्ला एचआईवी का पर्याय बन रहा है। जब भी कोई पता पूछता है तो खासकर मीडिया वाले आते हैं, पूछते हैं एड्स वाला मोहल्ला कहाँ है। इससे हम काफ़ी दुखी हैं। क्षेत्र के कई गाँव में ऐसे मामले मिल जाएंगे, फिर प्रेमगंज को ही क्यों बदनाम किया जाता है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।